जानिए किसकी फिल्म मारेगी बाजी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी के दो सुपरस्टार की, जो उनकी फिल्म में ज्यादातर एक ही मौके पर रिलीज कभी नहीं होती, लेकिन अगर होती है तो फायदा हमेशा एक को ही होता है, दूसरे को टोटली लॉस होता है। अब हम बात कर रहे हैं पवन सिंह की फिल्म क्रैक फाइटर की और खेसारी लाल यादव की फिल्म कूली नंबर वन की। आपको बता दें कि कूली नंबर वन के ट्रेलर को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और दर्शक इसे पसंद भी बहुत कर रहे हैं। ये संघर्ष के बाद खेसारी लाल यादव की एक ऐसी मूवी है जिसमें आपको अश्लीलता दूर दूर तक नहीं मिलेगी। खैर, अब हम बात करते हैं क्रैक फाइटर की, जिसका ट्रेलर 11 तारीख को रिलीज होने वाला था, लेकिन अभी तक इसका ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ है और अभी तक कोई तय तारीख भी नहीं मिली है कि इस दिन इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो जाएगा। अगर ये फिल्म तय तारीख को, यानी कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि होली के मौके पर रिलीज होती है, तो कूली नंबर वन से सीधे इसकी टक्कर होगी। और हमेशा जब भी दो बड़ी फिल्में रिलीज होती है, फायदा किसी एक का होता है, लेकिन इस बार खेसारी लाल यादव मंझे हुए कलाकार के भांति फिल्में लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, चाहे वो फिल्म संघर्ष रही हो, इसकी कामयाबी आज भी भोजपुरी इंडस्ट्री में भुनाई जा रही है। ठीक कूली नंबर वन भी एक सामाजिक मुद्दे पर आधारित फिल्म है, जिसे दर्शक अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर देखना जरूर पसंद करेंगे। अब खेसारी लाल यादव का टेस्ट बदल रहा है, वो अश्लीलता की तरफ रुझान कम करके एक सामाजिक और परिवार के साथ बैठकर देखी जाने वाली फिल्में ज्यादा प्रिफर कर रहे हैं। ठीक वहीं पवन सिंह की बात करें तो पवन सिंह की क्रैक फाइटर एक लव स्टोरी पर आधारित फिल्म है, फुल टू एक्शन पैक्ड है, जैसे उनके फैंस उन्हें देखना चाहते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि बाजी कौन सी फिल्म मारती है, क्योंकि दोनों एक से बढ़कर एक है। लेकिन हाँ, हमारे सामने कूली नंबर वन का ट्रेलर है और क्रैक फाइटर का अभी कुछ अता पता नहीं है, लेकिन जैसे ही फिल्म का ट्रेलर आउट होता है तो इसके बारे में बात करते बनेगी कि इन दोनों में से कंपेयर टू किसका ट्रेलर अच्छा है और फिल्म किसकी देखने लायक है। फिर ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।